पहला मैं हिंदी और इंग्लिश में मैं बात कर लेता हूँ। दो व्हाट एवर द मैडम प्रेजेंटेड, मुझे बहुत सारा चीज़ें कैच कर सकता हूँ। तेलुगु थोड़ा थोड़ा सीखा हूँ। वी हैव ग्रोन अप वॉचिंग घराना मुगुडू, दोस काइंड ऑफ मूवीज, चिरंजीवी गर्ल, अमेजिंग पर्सनालिटीज एंड अमेजिंग इंडस्ट्री तेलुगु का। जो भी मूवीज सुपरहिट वर्ल्ड वाइड होता है, इट्स एन अमेजिंग हैज अ इंडस्ट्री व्हाट डूइंग, कॉन्ग्रेचुलेट। यहाँ पर जो पिताजी का जो जर्नी शुरू होता है 1950 से, ये फिल्म में स्टोरी को कैप्चर किया किया गया है फ्रॉम हिज बर्थ। तो पहला फैमिली बिजनेस में थे पिताजी, जो मेरा ग्रैंडफादर पब्लिकेशन हाउस था, डिक्शनरी, टेक्स्ट बुक्स, गाइड, प्रिंटिंग लाइन में थे। अभी भी मेरा अंकल्स कर रहे, काफ़ी सक्सेसफुली चला रहे शहर, गदग शहर में। हम लोग नॉर्थ कर्नाटका हुबली से, हुबली गदग इज 60 किलोमीटर्स। तो पिताजी उधर ही गदग में ही प्रिंटिंग प्रेस में वो चलाते काम करते। जब वो बचपन में 14-15 साल में साल के थे, तभी वो प्रिंटिंग लाइन में आ गए मेरा फादर। तो उनको एक दिन क्या लगा कि सब लोग एक ही, सब भाइयों, 5 भाई और मेरा ग्रैंडफादर, सब लोग यही बिजनेस में नहीं रहना चाहिए, कुछ अलग करके दिखाना, कुछ हट के करके दिखाना, और ये बिजनेस कुछ करेंगे कि विच हैज़ नो बाउंड्रीज, जहाँ पर हम फैल सकते, बड़ा कर सकते। तो ही चूज दिस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। एक ट्रक से उनका जर्नी शुरू हुआ 1976 में। स्ट्रगल, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिसिप्लिन। अभी जस्ट आवर ब्रदर, जस्ट बाय लिसनिंग वी आर ब्रांड नेम। क्योंकि इधर एक कोट करना चाहता हूँ, ये एथिकली कंपनी को बड़ा किया है, एथिकल बिजनेस करते हुए। मतलब जो काफ़ी लोग टैक्स बचाने का चक्कर, शॉर्टकट रूट लेते हैं, वो सब कभी जिंदगी में किए नहीं है पिताजी। ये जो इंडस्ट्री है लॉजिस्टिक्स, 80% 80% अभी भी इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। मतलब इसको सिस्टम्स, या आप कोई भी मेरा इधर जो फ्रेंड्स बैठे, सब मित्रों से, अब जब भी आप ट्रांसपोर्ट एरिया में चले जाइए, यू हैव अ राउंड, देखो कितना अनऑर्गेनाइज्ड आपको दिखता है। काफ़ी लोग जाना चाहते भी नहीं उधर, ऐसा ये जो आज का तारीख में सिचुएशन है। लेकिन जो मेरे पिताजी ने जो बेंचमार्क सेट किया, तब से जो 40-45 साल पहले ही, तो 1991-92 तक हमारा जर्नी रहा 120-150 ट्रक्स, बिटवीन 15 to 16 ईयर, जब 1976 टू 91-92। बाद में हर साल 15-20% ग्रोथ होते गया। मैं 91-92 पिताजी के साथ बिजनेस में ऑलमोस्ट फुल्ली आ जाता हूँ, और आज खुशी होता है बोलने के लिए हमारा भारत में सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी विथ मोर देन 5,000 ट्रक्स। और 6 महीना पहले हम 1,600 ट्रक का ऑर्डर दिया हुआ है, ये साल हम उसको ऐड कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग 5,000 ट्रक छोड़ के अनदर 1,600 व्हीकल्स दिस ईयर वी आर एडिंग टू द फ्लीट। 1,300 ट्रक टाटा मोटर्स, 300 अशोक लेलैंड। और हमारा जो ब्रांच नेटवर्क है आंध्रा तेलंगाना में, 200 से ज़्यादा जगह पे हमारा ब्रांच नेटवर्क इधर एग्जिस्ट होता है। कर्नाटक में 200, आंध्र तेलंगाना में 200 ब्रांच है, तमिलनाडु, केरला, ऐसा देखें तो कश्मीर टू कन्याकुमारी
मोर देन 1050 ब्रांचेस हम कनेक्ट करते और कस्टमर को हम सर्विस देते, और इधर जो ये इंडस्ट्री बहुत टफ बिजनेस चलाने में बहुत कठिन, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। हमारा ये जो 1050 ब्रांच जो किधर से माल किधर आता है, किधर जाता है, किधर ये वो ऐसा मिक्स मैच बहुत रहता है। हर दिन हम 10,000 मेट्रिक टन पार्सल्स हैंडल करते, उसमें FMCG, फार्मास्यूटिकल, मेडिसिन, फूड आइटम, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, गारमेंट्स, टेक्सटाइल, सारीज, ऐसा बहुत सारे। और इधर से हैदराबाद से भी बहुत बड़ा, आंध्र प्रदेश से बहुत इंडस्ट्रियल गुड्स और सीड्स का बहुत बड़ा बिजनेस है आंध्र और तेलंगाना में। तो ऐसा ये जो नेटवर्क क्रिएट करना और इसको चलाना बहुत ही चैलेंजिंग है। 10,000 ड्राइवर्स हमारा कंपनी में ऑन पेरोल है। ये कंपनी चलाने के लिए 20,000 से ज़्यादा इधर उन जो स्टाफ मेंबर है उनका भी कंट्रीब्यूशन डे एंड नाइट बहुत अमेजिंग कंट्रीब्यूशन रहा है। और इसके फिल्म के अंदर आप लोग देखेंगे कि कैसा आदमी का एक जो अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलता है फिल्म के अंदर। जैसा निहाल जी बता रहे थे कि 150 आवर कंटेंट ऋषिका मैडम और निहाल जी का एक हाफ एन आवर का मीटिंग फिक्स किए थे मेरे पिताजी के साथ, और बहुत टाइम पर्टिकुलर रहते हैं। जो हाफ एन आवर मीटिंग उनका उस दिन 8-9 घंटा चला, 8-9 आवर्स। और रात 11 बजे मेरे को पिताजी ने फ़ोन किया बेंगलोर से कि ऐसा कोई एक निहाल करके आया है और कोई एक ऋषि का मैडम आए हैं, तो फिल्म के बारे में बात करें और व्हाट इज़ योर ओपिनियन। तो मैं इमीडिएटली, मैं तो हमारा जो साउथ इंडियन कल्चर है तो बाप को थोड़ा रिस्पेक्ट देने के लिए थोड़ा शर्माना नाटक करना पड़ता है उनके सामने। तो मैं भी आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड वेरी जस्ट जम्प ऑन इट, तो इमीडिएटली यस हाँ करके बोल दिया। तो उसी से जो VRL फिल्म प्रोडक्शन करके एक कंपनी हमने शुरू भी की है। तो मेरे को पहला पिताजी का बायोपिक बनाने का, फिर बाद में इंडस्ट्री में आने का एक उम्मीद है। और हम अच्छा स्क्रिप्ट को लेके जो जो फिल्म्स आते हैं डेफिनेटली हम आगे भी फुल फ्लेज्ड फिल्म इंडस्ट्री में हम हमारा कदम रख रहे। और हमेशा मैं उम्मीद करता हूँ सब हमारा मीडिया फ्रेंड्स जो है सपोर्ट करेंगे करके। और ऋषिका मैडम बहुत ही बढ़िया रिप्रेजेंट किया फिल्म को, क्योंकि 150 घंटे का जो ऑडियो कंटेंट है उसको खींच के 2.5 आवर्स में बनाने का बहुत ही देखे, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, बहुत ही बढ़िया काम किए। और निहाल जी का भी बहुत बढ़िया उसमें, अभी हमारे साथ ऐसा बैठे, नेक्स्ट टाइम फिर हम उसको वेट करना पड़ेगा, वो आ रहा है क्या, ऐसा मालूम नहीं कैसा चेंज होएगा। हमारा फ्रेंड्स लोग अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं या पूरा कैमरा में रिकॉर्ड हो रहे हैं। और सिरी मैडम मेरा जो मदर का किरदार निभा रही, मेरे को कम से कम एक 15-16 फोटो मेरे को निहाल जी और ऋषिका मैडम भेजे थे, मैं सबका रिजेक्ट कर दिया था। और उनका वीडियो कंटेंट भी मैं मंगाया था, जो उनका पहला पूरा फिल्म में जो जो काम किए या सीरियल में काम किए भरत जी हो, तो वो देख के मैं फाइनल किया। जब श्री मैडम का आया तो आई जस्ट वेंट इट यस, एंड मेरे मदर को भी दिखाया, शी वाज आल्सो वेरी हैप्पी एंड वी वेंट विद श्री मैम। देन जब भरत जी का आया वो मेरा रोल कर रहे, तो 7-8 फोटोज मैं रिजेक्ट कर चुका था। और उनका जो जो भरत जी का जब फोटो देखा और उसका परफॉर्मेंस देखा, और उनका जो दो बार उनका सेकेंड टाइम वो ऑडिशन में पास हुए, एक अक्टूबर गांधी जयंती करके वो पास हुए ऐसा है। और
कुर्मिल्ला सर का तो मैं इधर रिवील नहीं कर सकता हूँ कि फिल्म के अंदर वो क्यों पेपर ऐसा गुस्से में ट्रेलर में फेंकते हैं, उसका भी बहुत बढ़िया काम किया। इनफैक्ट जब हुआ सर, सर इधर रोशनी मैडम है, वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस, शी वाज यू नो बिहाइंड यू नो फ्रॉम बैक, लॉट ऑफ सपोर्ट हमारे को मिला है मैडम से। प्रभु जी बैठे हैं, स्वामी जी, तो उनका भी काफी काम है। और राम बाबू सर भी बहुत अच्छा है इसमें, उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा एंड लिरिक्स में, एंड फ्रॉम यूएफओ आवर पार्टनर्स। एंड दिस फिल्म इज गोइंग टू रिलीज वर्ल्ड वाइड ऑन 9th December, वर्ल्ड वाइड ये रिलीज हो रहा है। थोड़ा आप बताओ वर्ल्ड वाइड।